आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो एक दिन आराम से बैठकर गेटिंग ओवर इट खेल रहा था। बहुत कोशिश कर रहा था वो कि वो इस गेम को पार कर ले, लेकिन गेम पार न होने के कारण वो अपना आपा खो बैठा और उसने गुस्से में अपना माउस तोड़ दिया। अब इस गुस्से के चक्कर में उसने अपना नुकसान तो करा लिया, माउस तोड़ दिया, लेकिन अब काम भी तो करना है, नए माउस की जरूरत तो पड़नी ही थी। 60 रुपए के माउस से कब तक काम चलाता। तो इसीलिए फैसला हुआ कि अब एक गेमिंग माउस लेना ही पड़ेगा, अपने अंदर असली प्रोनेस जगाने के लिए पैसे उड़ाने ही पड़ेंगे। तभी मुझे याद आई वो छोटी सी सीक्रेट तिजोरी जिसमें मैं अपने सारे सीक्रेट्स और YouTube की आई पेमेंट्स रखता था। नया माउस तो लेना ही था, तो मुझे लगा यही सही मौका है उस तिजोरी को यूज करने का। अब तो यही पुड़िया है भाई, जो है यही कराएगी बेड़ा पार। ये क्या है? और यार, मैं राहुल को ये सैंपल भी नहीं देके आया यार, 6,000 तो इसी पुड़िया से आ जाते, माउस खरीद लेता आराम से। यार बॉस मुझे पक्का मार डालेगा इस बार, हमेशा लेट हो जाता हूँ मैं सैंपल्स पहुँचाने में। फक, ये क्या है? 500 रुपये वाली का छी अभी तक पड़ा हुआ है यहीं पे। यार अब तो यार ये गोल्ड फ्लैग भी इतनी महंगी हो गई है ना, सही में भाई हद हो गई यार, गरीबी छा रखी है। मेरी यूट्यूब की पेमेंट कहाँ गई? अरे हाँ ये रही, अरे ये तो बहुत कम है यार, शेट यार ये तो बहुत कम है, माउस कैसे आएगा? अपनी YouTube कमाई देख के अपनी औकात समझ में आ गई, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब बस एक ही चारा बचा था, अब पहले अपनी डील कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तब थोड़ा रोकड़ा आएगा, तब जाके माउस खरीदा जाएगा। तो बस फिर मैं निकल गया अपनी जर्नी पर, और उस पुड़िया के बिकने के बाद Years later. अरे आ रही लाना, आ रही, खुल नहीं रहा ये। We are setting up. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डिवाइस इज रेडी। Yes, मैंने गेमिंग माउस ले लिया। अब सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। भाई तेरे माउस कौन सा माउस है? अरे मेरे नाम तो बता दे, नाम से कौन सा माउस, कौन सी कंपनी का है? ओके बता रहा हूँ। तो मैंने माउस लिया है Logitech G302। अब ये है वो माउस। क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने ये माउस क्यों लिया। तो जैसा कि अब अपने इंडियन स्टाइल में होता है कि जब तुम्हें पता नहीं होता भाई कौन सा लेना चाहिए, या फिर तुम कंफ्यूज हो रहे होते हो और तुम्हें कोई नॉलेज नहीं होती, तो तुम क्या करते हो, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाते हो और देखते हो कि वो कौन सा सजेस्ट करेगा, वो कौन सा यूज़ कर रहा है। दैट्स व्हाट आई डिड। तो बेसिकली मुझे एक गेमिंग माउस लेना था, तो मैंने सोचा यार एक गेमर से बढ़िया और कौन बताएगा मुझे कि क्या लेना चाहिए। तो मैं चला गया श्राउड की इन्फॉर्मेशंस में और मुझे पता चला श्राउड ये वाला माउस यूज़ करता है, एंड क्योंकि मेरे पास और कोई नॉलेज नहीं थी
और मेरा बजट इतना था कि मैं ये वाला माउस अफोर्ड कर सकता हूँ। सो हैवी आर, देखो मेन चीज़ें ये होती है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो तुम लोग जाओगे एक्सपीरियंस पे, और अगर एक अच्छा गेमर एक अच्छा माउस यूज़ कर रहा है, ये वाला माउस यूज़ कर रहा है, तो ऑफकोर्स तुम लोग बाकियों से ज़्यादा उस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो कि यार वो इतने टाइम से यूज़ कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मुझे क्यों प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ होती है प्राइस, अगर तुम्हें एक माउस जैसी चीज़ इतने हैवी प्राइस पे मिल रही है तो ऑफकोर्स यार कुछ तो बात होगी। वेल, मैं लॉजिटेक का कोई प्रोमोटर वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लॉजिटेक की अभी तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं, लॉजिटेक ने हमेशा मुझे सेटिस्फाई करा है, एक सेटिस्फैक्ट्री थिंग दी है उन्होंने हमेशा मुझे। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा सोच विचार नहीं करा, लॉजिटेक का है, ट्रस्टेबल है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, एक अच्छे गेमर्स यूज़ कर रहे हैं इस माउस को, सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने सीधा बाय कर लिया। अब होपफुली मेरी थोड़ी गेमिंग अच्छी हो जाएगी, होपफुली अब तो बस गेमिंग करने का इंतज़ार है, देखते हैं कितना बड़ा चेंज आता है भाई इस गेमिंग माउस से। और एक और चीज़, मैंने इस गेमिंग माउस के साथ एक माउस पैड भी लिया है जो कि है Amazon Basics का, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये माउस पैड मुझे पड़ा है 600 का Amazon से, तुम लोग अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो नीचे लिंक दिया हुआ है, तुम लोग जाके देख सकते हो। वेल, फाइनली मुझे 200 रुपये और 350 रुपये और 60 रुपये वाले माउस से छुटकारा मिला, फाइनली मैं कह सकता हूँ भाई साहब एक तगड़ा गेमिंग माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ। भाई साहब क्या सेक्सी लगता है बाय द वे, मस्त। वाह, अब गेमिंग करने में मजा आने वाला है। अगर तुम लोग भी माउस बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो। वाह, मेरा कोई रिव्यू चैनल तो है नहीं, तो इसलिए मैं रिव्यूज वगैरह तो करने नहीं वाला इसके, ठीक है। मेरे को बस मिलवाना था, देख लो भाई देख लो, ये है मेरा नया दोस्त, अब ये मेरी हेल्प करेगा गेमिंग में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय। When you smile, yeah. Hit it from the back and drive you wild, yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes.